Press the bell icon of the e-Parshala channel and never miss another update. गाइज नाउ वेलकम बैक टू योर क्लास एंड दिस इज़ योर विजय हियर और बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्तों ई पाठशाला के चैनल पे। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 12 ज्योग्राफी थर्शरी एंड क्वार्टनरी एक्टिविटीज़। चैप्टर 7 है दोस्तों और ये वीडियो का पहला पार्ट है। वीडियो के 3 पार्ट आएंगे जो पूरी तरीके से आपको थर्शरी एंड क्वार्टनरी एक्टिविटी के बारे में बताएंगे। सो सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या है। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि हमारे पूरे के पूरे जो 5th, 6th और 7th चैप्टर था वो ह्यूमन ज्योग्राफी का एक ह्यूमन एक्टिविटी से रिलेटेड था। सो दैट इज़ वाई हमें तीनों के तीनों पार्ट समझने। हमने इससे पहले वाले चैप्टर्स के अंदर प्राइमरी एक्टिविटी यानी कि 5th चैप्टर के अंदर प्राइमरी एक्टिविटी कवर करने की कोशिश करी थी। इसमें हमने देखा था कि कैसे जो नेचर से रिलेटेड चीज़ें होती है उसी पे ही अगर उससे रिलेटेड कोई बिजनेस होता है तो वो प्राइमरी एक्टिविटी पे होता है। प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी जो 6th चैप्टर था उसमें हमने देखने की कोशिश करी थी कि कैसे जो भी रॉ मटेरियल हमें मिलता है उसके बाद उसमें थोड़ी सी वैल्यू को ऐड करके हम कुछ नई चीज़ बना देते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड द मैन्युफैक्चरिंग या सेकेंडरी एक्टिविटी। बट नाउ वी गोना स्टार्ट अबाउट सर्विस। अब सर्विस का ना तो मैन्युफैक्चरिंग से कुछ लेना देना है और ना तो किसी नेचुरल रिसोर्स से कुछ लेना देना है, वो आता है सर्विस सेक्टर के अंदर, दैट मीन्स थर्शरी एक्टिविटी के अंदर। उसके बाद हम क्वार्टनरी एक्टिविटी भी इसके अंदर देखेंगे जो पूरी तरीके से थर्शरी एक्टिविटी से थोड़ी बहुत सिमिलर भी मानी जाती है। अब आप कैसे समझेंगे कि जो थर्शरी एक्टिविटी से आप तृतीयक गतिविधियाँ कहते हैं उसे आप कैसे समझ पाएंगे। सो लेट मी स्टार्ट बाय एग्जांपल दिस। आप देखेंगे कि ये जितने भी लोग होते हैं, आर्टिस्ट हैं, कंस्ट्रक्ट वर्कर हैं, डेंटिस्ट हैं, बेकर हैं, डॉक्टर हैं, बैंकर हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, ये सारे के सारे आपको किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई सर्विस दे रहे हैं। सो आप नोटिस ये करेंगे कि आप ये आपको कोई सर्विस देते हैं और बदले में आप क्या कहते हैं, इनसे क्या कहते हैं, आप इनको पैसे पे कर देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द सर्विस सेक्टर यानी कि थर्शरी एक्टिविटी। ये ना तो किसी सामान को बनाते हैं, ना तो किसी रॉ मटेरियल को खेतों से लाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बस ये आपको अपनी जो भी इनकी स्किल लेबर होती है या जो भी इनकी सर्विस के पैसे होते हैं आप उन्हें चार्ज कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए डॉक्टर। डॉक्टर अगर आपको बीमारी है, कैसी भी बीमारी है, और वो बीमारी अगर ये डॉक्टर ठीक कर देता है तो उसके बदले में उसने आपको सर्विस दी एंड देन यू नीड टू पे फी और आप उसे पैसे देंगे एंड दिस इज़ कॉल्ड द सर्विस। तो आपने नोटिस करा कि उसने कोई भी क्या कहते हैं रॉ मटेरियल को नेचर से लेके नहीं आया या किसी सुई को उसने मैन्युफैक्चरिंग करके आपको लगाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं करा इसने, बस उसने अपनी सर्विस देने की कोशिश करी। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड सर्विस सेक्टर। तो आप नोटिस करेंगे थर्शरी एक्टिविटी यानी कि सर्विस सेक्टर के अंदर दोनों ही चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, जिसमें आप प्रोडक्शंस आप बोल सकते हैं और एक्सचेंज दोनों ही इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। प्रोडक्शन का मतलब ये हो गया कि जहाँ पे आपको सर्विस दी जा रही है, सर्विस देने के तरीके जो होते हैं उसे आप प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दैट इज़ वाई अगर आप देखेंगे कि जितनी भी एक्टिविटी, जितने भी क्रियाकलाप आपके आसपास हो रहे हैं वो सारे की सारी थर्शरी एक्टिविटी के अंदर आती है। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन आपके आसपास है, अगर वो स्किल्ड है, अच्छा खासा अपने जो भी काम के अंदर बहुत परफेक्ट है, और अगर वो स्किल्ड है तो आपको सर्विस देगा। अगर आप अपने कम्युनिटी हेल्पर्स के आसपास देखेंगे, पोस्टमैन हो गया है ना, उसके बाद आपका डेंटिस्ट हो गया, बहुत सारे लोग हो सकते हैं आपके, इवन आपका ट्यूशन टीचर हो गया, वो भी आपको एक सर्विस दे रहा है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं बिजली का मिस्त्री हो गया, धोबी हो गया, नाई हो गया, दुकानदार हो गया, ड्राइवर हो गया है ना, उसके बाद आपका टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, आप ये आपको सर्विस देते हैं और उसके बाद आप इनको पैसे पे कर देते हैं, ठीक है। सो इस हिसाब से आप देखेंगे सारे सर्विस सेक्टर के अंदर आते हैं। ओके, तो आप ये देखने की कोशिश करेंगे थर्शरी एक्टिविटी के भी बहुत टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें से आपने जो पढ़ना है ट्रेड एंड कॉमर्स यानी कि व्यापार एंड वाणिज्य, एंड देन हम देखेंगे कम्युनिकेशन, ठीक है।
तो इस वीडियो के अंदर आप पूरी तरीके से ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे और उसके बाद आने वाली वीडियो के अंदर हम कम्युनिकेशन पे ही फोकस करेंगे। ट्रेड एंड कॉमर्स होता क्या है? तो आप ये नोटिस करेंगे कि आपने कोई भी मार्केट से कोई भी प्राइस जो है वो ख़रीद लिया, ठीक है। आपकी कॉस्ट प्राइस जो भी है, मान लीजिए आपने मार्केट से कोई चीज़ 100 रुपये में ख़रीदी है और फिर आपने उसे सेल कर दिया और आपकी सेल प्राइस 130 रुपये थी, तो इट मीन जो भी आपने कॉस्ट प्राइस दिया यानी कि कोई भी आपने क्रय मूल्य से कोई सामान ख़रीदा हो और उसे प्रॉफिट में बेच दिया हो, दिस इज़ कॉल्ड द ट्रेड। और ये भी एक तरह की सर्विस ही हो गई है ना। तो मतलब चीज़ों को ख़रीदना या बेच देना ये एक व्यापार का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एंड दिस इज़ कॉल्ड द ट्रेड इन कॉमर्स। आई होप बहुत सिंपल शब्दों में मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि चीज़ों को बेचना या ख़रीदना एक ट्रेड है और मेन है प्रॉफिट के अंदर बेचना, ठीक है। तो ये आप नोटिस करेंगे कि ये ज़्यादातर आपको को जो सर्विस देखने को मिलेगी ट्रेड एंड कॉमर्स वाली, वो आपको पूरी तरीके से हर जगह मिलेगी। आप कह सकते हैं ये शहरों में भी हो सकता है, आप कह सकते हैं नगरों में भी हो सकता है, और जहाँ पे भी इस टाइप की एक्टिविटीज़ होती है ना, वो सारे के सारे आपको ट्रेडिंग टाउन्स कहलाएंगे। ट्रेडिंग टाउन्स मतलब व्यापारिक केंद्र जहाँ पर व्यापार से रिलेटेड बातें होती हो। अब व्यापार से रिलेटेड जो भी बातें होती है वो वैसे तो दो टाइप की होती है, क्योंकि ट्रेड एंड सर्विस जो ट्रेड एंड कॉमर्स जो क्योंकि थर्शरी एक्टिविटी यानी कि सर्विस सेक्टर का पार्ट है, तो इसीलिए वो दो टाइप की होती है। दैट मीन्स सबसे पहले रूरल मार्केटिंग सेक्टर और उसके बाद अर्बन मार्केटिंग सेक्टर, ठीक है। सो रूरल मार्केटिंग सेक्टर क्या होती है? देखो आप नोटिस करें कि अगर गांव जैसे देहात जैसे इलाकों के अंदर कोई सामान मार्केट में बेचा जा रहा है, तो अगर कोई व्यक्ति अगर आपको सर्विस दे रहा है तो वो सामान बेचने की क्रिया ही हो गई। मतलब अगर आपने मार्केट में गए, आपने कुछ फल खरीदे किसी कम्यूटर से, है ना, या आपने किसी वेंडर से या कुछ भी, मतलब जो भी मार्केट के अंदर नॉर्मल मार्केट के अंदर बैठा हुआ है, आपने उससे कोई सामान खरीदा। अब वो आलू उसने खुद बनाए नहीं है, बस वो आपको बेचने की सर्विस दे रहा है, तो अभी तो सर्विस सेक्टर में ही आएगा। सो इस हिसाब से रूरल मार्केटिंग सेंटर के अंदर आप देखने की कोशिश करेंगे, ये जो ट्रेडिंग सेंटर्स होते हैं ये ज़्यादातर ज़्यादा विकसित नहीं होते क्योंकि गांव जैसे इलाकों के अंदर ये होते हैं आप देखेंगे। और उसके साथ साथ ये जितने भी होते हैं आपको गांव जैसे इलाकों के अंदर मंडियां मिलेंगी और फुटकर एरिया मिलेंगे, दैट मीन्स रिटेलिंग एरिया। रिटेलिंग एरिया का मतलब होता है कि कोई भी व्यापारी जो होता है ना, वो सामान बेचता तो है, वो अपनी सर्विस तो दे रहा है किसी भी व्यक्ति को, लेकिन जो उसका सामान होगा ना वो लिमिटेड क्वांटिटीज़ के अंदर होगा। दैट मीन्स इसीलिए आप बोलेंगे फुटकर, ये बहुत बड़े ह्यूज अमाउंट के अंदर सामान को नहीं बेचने की कोशिश करता है, बस ये गांव के अंदर है, इसी वजह से आप देखेंगे कि सर्विस देने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस सर्विस के अंदर आप देखेंगे सामान और अपनी सेवाओं को एक इम्पॉर्टेंट जो सर्विस होती है सिग्निफिकेंट सेंटर के अंदर बेचने की कोशिश करते हैं। और इसके अंदर इसके अलावा भी दूसरा जो है ये आप देखेंगे पीरियोडिक मार्केट सेंटर। अब ये उस वाले मार्केट सेंटर से अलग है, क्यों? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर प्लेस पे होता है, एक परमानेंट प्लेस पे आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? परमानेंट प्लेस पे। आप देखेंगे कहीं पे भी जहाँ पे रेगुलर एक मार्केट लगती हो पर उसमें बहुत छोटी क्वांटिटी के हिसाब से लोग सामान बेचते हो, तो वो आपको रूरल मार्केटिंग सेंटर मिलेगा। लेकिन पीरियोडिक मार्केटिंग सेंटर के अंदर आप देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो होता है ये एक डिफरेंट टाइम पीरियड पे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे आपको ये मार्केट देखने को मिलेगी। एग्जांपल के लिए आपने बहुत सुना होगा संडे मार्केट, वो एक संडे एक फिक्स टाइम पे फिक्स होती है और यही सारे के सारे जो क्या कहते हैं आपके सामान बेचने वाले लोग जो होते हैं ये संडे के बाद मंडे के बाद दूसरी जगह, ट्यूसडे दूसरी जगह, सैटरडे दूसरी जगह, इनका टाइम फिक्स होता है। इससे क्या होता है कि ये लोग भी बिजी रहते हैं और अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगहों पे ये अपनी सर्विस दे पाते हैं, है ना। कुछ दिन ये लोग वहाँ पे हैं, कुछ दिन ये लोग दूसरी प्लेसेस पे हैं। और आप देखेंगे कि वहाँ पे जो पीरियोडिक जो मार्केटिंग सेंटर्स होते हैं उसके अंदर भी लोग क्या कहते हैं रिटेलिंग करते हैं और बहुत छोटी क्वांटिटी में सामान को लेके आते हैं और बहुत सस्ता चिल्लाते हुए लोगों को सर्विस देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये भी एक दुकानदार हो गए, ये भी पूरी तरीके से बिजी रहते हैं,
सातों के सातों दिन डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे ये ज़्यादा रहते हैं। दूसरा आपको देखने को मिलेगा अर्बन मार्केटिंग सेंटर। अर्बन मार्केटिंग सेंटर के अंदर आप देखेंगे कि पूरी तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा शहरी इलाकों के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ये गांव जैसे इलाकों के अंदर आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि ये लोग पूरी तरीके से जो स्पेशल गुड्स होते हैं जो आपको गांव जैसे इलाकों के अंदर नहीं मिलेंगे वो आपको इन शहरों में बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। उसके साथ साथ ये जितनी भी सर्विस देते हैं ये मार्केट को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो भी सामान आपको देखने को मिलेंगे बहुत अच्छे तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होंगे और वो सारी की सारी सर्विसेज आप आसानी से यूज़ कर पाएंगे। सो पूरी तरीके से ऑल एंड ऑल मैं कहना ये चाहता हूँ कि ट्रेड एंड कॉमर्स जो होता है वैसे तो पूरी तरीके से दो तरीके से ही होता है, दैट मीन्स रिटेल ट्रेड यानी कि फुटकर व्यापार और होलसेल यानी कि बहुत बड़ी मात्रा के अंदर व्यापार करना। तो होलसेल के अंदर आपने अभी देख लिया था कि रूरल मार्केटिंग सेंटर के अंदर कैसे लोग स्मॉल क्वांटिटी के अंदर सामान लेते हैं और बेच देते हैं, पर ऐसा ही अर्बन मार्केटिंग सेंटर के अंदर होता है। सो होलसेल और रिटेलर शॉप जो होती है वो दोनों में अंतर क्या है थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। तो रिटेलर शॉप के अंदर आप ये देखें कि जितनी भी सर्विस एक्टिविटीज़ होती है ना पूरी तरीके से यहाँ पे कंज्यूमर जो होता है जो सामान खरीदता है वो पूरी तरीके से किसी भी सामान को बहुत स्मॉल क्वांटिटी के अंदर किसी एक पर्टिकुलर प्लेस के स्टोर के अंदर वो देखता है और वो कहता है कि हाँ यहाँ से मैं सामान ले सकता हूँ। और लेकिन जो क्या कहते हैं ये भी आप एग्जांपल देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने स्मॉल क्वांटिटी के अंदर सामान लेके अपनी सर्विस दे रहा है लोगों को और वो उससे प्रॉफिट निकालने की कोशिश करता है। जबकि अगर आप देखेंगे कि थोक व्यापार जो होता है थोक व्यापार बहुत बड़ी हाई क्वांटिटी के अंदर बल्क बिजनेस होता है और आप क्या कहते हैं ये बहुत बड़ी मात्रा में एक ही सामान को या बहुत टाइप के सामान को बेचने की कोशिश करते हैं सस्ते में। मतलब एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखेंगे कि मार्केट में कोई सामान बना, ठीक है, मार्केट में मान लीजिए कि बहुत बड़ी मात्रा के अंदर फैक्ट्री के अंदर पेप्सी बन रही है, तो आप देखेंगे कि जो कोको कोला पेप्सी जो भी है अब जहाँ पे ये बन रही है बहुत बड़ी मात्रा में वो होलसेल जगह होगी जहाँ पे सामान बन रहा है और उसके बाद किसी व्यक्ति ने इसको बहुत स्मॉल क्वांटिटी के अंदर अपने प्लेसेस पे लेके आ गया तो ये रिटेलर शॉप हो गई जिसे आप रिटेल ट्रेड बोलेंगे और उसके बाद किसी कस्टमर को ये मिल पाती है। तो ये पूरा प्रोसेस चलता है जिसमें से आप आसानी से समझ पाएंगे कि होल ट्रेड और रिटेलर ट्रेड में दोनों में अंतर क्या है। अब किसी भी ट्रेड को चलाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि सामान को लाने ले जाने की वजह से सर्विस और तेज़ हो पाई है, टर्शियरी एक्टिविटी और तेज़ हो पाई है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसने एक अच्छी सुविधा दी है लोगों को जिससे क्या होता है कि मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो होते हैं वो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं और इसकी वजह से हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से एक अच्छे एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से हमने काफ़ी अच्छा ट्रेड करा है और काफ़ी अच्छी सर्विस देने की कोशिश करी, ठीक है। इससे हम वैल्यूएबल गुड्स को बहुत जल्दी पहुंचा देते हैं दूसरे प्लेसेस पे, मान लीजिए दूध हो गया जो जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ें होती हैं उनको हम बहुत जल्दी ट्रेन बस या जो भी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हो उसके हिसाब से हम उसको पहुँचा देते हैं। तो अगर हमें कॉस्ट देखनी हो जो कॉस्ट डिस्टेंस होती है, मान लीजिए अगर हमने कोई भी सामान एरोप्लेन से भेजा है तो सिंपल सी बात है उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, उसके बाद वही चीज़ अगर कार से आई है या ट्रेन से आई है तो एज़ कंपेरिजन एरोप्लेन के हिसाब से तो वो सामान बहुत महंगा ही होगा या सस्ता ही होगा और डिपेंड करेगा कि आप कितने हिसाब से कोई सामान आपके मार्केट में अवेलेबल हो पा रहा है ना। तो आप देखेंगे कोई सामान महंगा होता है कोई सामान सस्ता होता है तो उसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो उसमें आप बोल सकते हैं किलोमीटर दूरी जो होती है परिवहन की वो मैटर करती है। इसमें क्या होता है किलोमीटर डिस्टेंस में कि कितने किलोमीटर तक जो यात्रा है वो चल पाई है, उसके बाद उसमें टाइम कितना लगा है, कितना समय लगा है उसको पहुंचने में, अगर आप इन दोनों को क्या कहते हैं मेजर करेंगे तो आपको पूरी तरीके से कॉस्ट डिस्टेंस पता चल पाएगी, ठीक है। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिसकी मदद से आप देखेंगे कि सर्विस सेक्टर ट्रांसपोर्टेशन की वजह से अच्छा हो पाया। अब ट्रांसपोर्टेशन को इफेक्ट करने के लिए बहुत सारे कारण होते हैं। डिमांड, पहला डिमांड, डिमांड में क्या होता है कि जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी
तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि लार्ज क्वांटिटी के अंदर वहाँ पे सामान पहुँचाना होगा। एग्जांपल के लिए दिल्ली है ना, तो दिल्ली में आप देखेंगे कि अर्बन मार्केटिंग सेंटर जो होते हैं बहुत फेमस होते हैं, और वहाँ पे रूरल मार्केटिंग सेंटर भी बहुत फेमस ही होंगे, क्योंकि वहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन भी वहाँ पे ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरा है रूट, रूट ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत मैटर करेगा, क्योंकि अगर वहाँ पे अच्छे रूट होंगे तो आप देखेंगे कि टाउन्स, उसके बाद सिटीज़ एंड विलेज के अंदर भी रॉ मटेरियल को लाने में और वहाँ तक किसी सामान को पहुँचाने में बहुत आसानी रहेगी। सो आई होप यू गॉट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो। और ये थर्शरी एक्टिविटी के से रिलेटेड और क्वार्टनरी एक्टिविटी से रिलेटेड थोड़ी बहुत एक्टिविटी हमने इसमें जानने की कोशिश करी है, हम आगे भी अभी देखेंगे और ज़्यादा। ठीक है, सो दिस इज़ इट इन दिस पार्ट। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब ही बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में, वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।